तो दोस्तों आज के एक्सपेरिमेंट में हम देखेंगे कि बहुत सारी माचिसों के ऊपर चिकन को पकाने से क्या वो पकता है या नहीं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हम लेंगे बहुत सारी माचिसें और हमें उन माचिसों को कुछ इस तरीके से हाथ में इकट्ठा कर लेना है और उन्हें रबर बैंड की मदद से कुछ इस तरीके से बांध लेना है। दोस्तों उसके बाद हम लेंगे कोई भी एक ग्लू गन और उस ग्लू गन की मदद से उन माचिसों को एक कागज़ के टुकड़े पे कुछ इस तरीके से चिपका लेना है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। दोस्तों उसके बाद हम कुछ इसी तरीके से पूरे कागज़ के टुकड़े में माचिसों को चिपका लेंगे और एक सेटअप तैयार कर लेंगे चिकन को पकाने के लिए। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा सेटअप अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं क्या इसमें चिकन पकाने पे क्या वो पकेगा या नहीं। चलिए दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि सेटअप पूरा होने के बाद कुछ इस तरीके के दिखाई देगा। दोस्तों इसके बाद हम लेंगे एक चिकन। दोस्तों यहाँ पर को हमने लिया है एक चिकन और उस पर कुछ इस तरीके से हमने अच्छे से मसाला लगा दिया है। दोस्तों हम इस चिकन पे पूरी अच्छे तरीके से मसाला लगाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि यह चिकन पकता है या नहीं। तो दोस्तों अब फाइनल एक्सपेरिमेंट करने की बारी आ चुकी है। चलिए देखते हैं ये चिकन पकेगा या नहीं। दोस्तों इस चिकन को इन माचिसों के ऊपर रख के आग लगाई दी जा चुकी है। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इन माचिसों के सेटअप में आग लगा दी जा चुकी है और देखते हैं कि ये चिकन पकेगा या नहीं। चलिए दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आग बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन दोस्तों ऐसा लग रहा है कि ये आग ज़्यादा देर तक जलेगी नहीं जिससे कि ये चिकन कच्चा ही रह जाएगा। चलिए दोस्तों फिर भी एक बार देखेंगे कि ये चिकन लास्ट में पकेगा या नहीं। चलिए दोस्तों देखते हैं कि ये चिकन पका या नहीं। देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा बहुत पका है लेकिन पूरी तरीके से नहीं पक रहा है। दोस्तों देखते हैं कि ये चिकन पका या नहीं। दोस्तों ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी कमाल का था लेकिन ये इस चिकन को पकाने में असमर्थ रह गई ये माचिसें। दोस्तों देखते हैं कि ये चिकन पका या नहीं अच्छे से। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस चिकन में पूरी तरीके से पानी डाल के इसे साफ किया जा रहा है और आग भी पूरी तरीके से बुझ चुकी है। चलिए दोस्तों फाइनल बारी आ चुकी है इस चिकन को टेस्ट करने की, ये चिकन पकाया नहीं। चलिए दोस्तों इसे प्लेट में लेते हैं और देखते हैं कि ये पकाया नहीं। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये चिकन प्लेट में ले लिया गया है और इसमें चाकू तो आसानी से छेद कर दिया है, लेकिन दोस्तों इस चिकन को देख के ऐसा लग रहा है कि ये पूरे अच्छे तरीके से नहीं पका है। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं चिकन अच्छे से अलग नहीं हो पा रहा है और इसे देखने में ऐसा लगता है कि ये कहीं कहीं से तो अच्छे से पक गया है लेकिन कहीं पर को पूरी तरीके से कच्चा ही रह चुका है। चलिए दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।